सर क्लास में आगे बात नहीं करना है, बुक निकलना है। अंकुश आके यहाँ पे आके बैठो। surrounded by metal atom in coordination compound is called effective atomic number. कल एक एग्जांपल बना था आपको effective atomic number का। आप भी आप लोगों को जो है होमवर्क दिया था कि घर पे भी आप लोग कुछ कंपाउंड के एटम पेटम नंबर कैलकुलेट करना है। किया किसी ने? अच्छा समझे ही नहीं। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। नाउ सी हियर सेकेंड एग्जांपल बता रहा हूँ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको गिवन रहेगा। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मेटल एटम का आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। तो कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन दैट इज कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स आयन। कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है वो बताना है। ठीक है, तो कैसे करना है मैं आपको इसका जनरल स्ट्रक्चर फार्मूला पहले बताया हूं। EAN is equal to Z minus X plus Y। ठीक है, अब कोबाल्ट क्या है? मेटल एटम है। उसका Z का वैल्यू क्या होता है? 27। आपको लर्न करना है। ठीक है, Z का वैल्यू जैसे कल मैं आपको बताया था 30। ठीक है, 3D सीरीज एलिमेंट दैट इज ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। तो कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27 होता है। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड में X का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। ये जीरो होता है, एक का माइनस और एक का माइनस थ्री, तो कोबाल्ट का प्लस थ्री होगा। प्लस थ्री माइनस थ्री रेशियो जीरो है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इसमें थ्री है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे कोबाल्ट? थ्री। तो जैसा लिखेंगे इसको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कोबाल्ट प्लस थ्री आए, प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन लॉस। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम बोलते हैं एक्स। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं? थ्री। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा मेटल एटम का दैट इज कॉल्ड एक्स। ठीक है, तो x क्या हो गया 3। और y कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितने हैं? 6 है। देखो y is equal to 6 अमोनिया। अब एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 6 कितने करेंगे? 6 into 2, तो आ गया 12। हमारे को z का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। तीनों का वैल्यू ये पर्टिकुलर फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करना है। z कितना है? 27 माइनस 3 प्लस 12। 27 माइनस 3 24 प्लस 12 36। समझ में आ गया? तो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लेते हैं। इधर से कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर 27, इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन 27 है। और कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। तो 27 से 3 लॉस कर दिए, 24। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 24। और एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल एटम, तो 6 कितने करेंगे डोनेट? 12। तो 24 उसके पास बचे थे और 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड से ले लिए, तो 24 प्लस 12 कितना आया? 36। तो हमारा आंसर राइट है। गॉट इट? कर लेंगे ना अभी इसको कैलकुलेशन, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना करते हैं। ठीक है, करो। Thank you.
ऑक्सीडेशन नंबर में एक्स का वैल्यू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3 आया, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्स। कंप्लीटेड। एग्जांपल और बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्लैटिनम जो मेटल एटम है उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लोग देखो, प्रैक्टिस के लिए अभी दिया हूँ, कैलकुलेशन करके देखो, जिसको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है मैं आंसर बताऊंगा, लेकिन आप लोग को उसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करने से आपको आएगा। प्लैटिनम का जो है जेड का वैल्यू होता है एटॉमिक नंबर 78, प्लैटिनम एटॉमिक नंबर 78। क्या होने दी रहे लाइट वाला बंद करना है, इधर है लाइट वाला बंद कर। ठीक है, अभी चलो दिख रहे हैं। प्लैटिनम का जेड का वैल्यू होता है 78। क्या ये हाँ क्या डाउट है बोलो आपके ऊपर ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? प्लस थ्री है, सो 14 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर है 32। 32 का आंसर है प्लैटिनम के एटम नंबर 78 है। 32 का आंसर है, हाँ 78 बोला। क्या आंसर आया? प्लैटिनम का आया, कितना है? नहीं आया, पीछे एक मिनट का क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 मिनट में सॉल्व करना है। 82 आ रहा है। चलो आंसर मैं बताता हूँ, राइट आंसर 86। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्लैटिनम का आएगा 86 आंसर। बता दो सॉल्व करके, प्लैटिनम है इसका जेड का वैल्यू होता है 78। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में प्लैटिनम का चार्ज कितना है? ऑक्सीडेशन कितना है? +4।
अमोनिया जीरो होता है, ये माइनस टू, ये माइनस टू, माइनस फोर और प्लस फोर लेके जीरो आ गया। इसको तो प्राइमरी पर चार्ज कितना है प्लस फोर, इसको तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया फोर, लॉस ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन। दूसरी को हम लिखते हैं एक्स, लिगेंड कितने है चार अमोनिया दो ब्रोमीन, छह लिगेंड है। तो y is equal to 4 अमोनिया प्लस 2 Br माइनस i, तो टोटल लिगेंड कितने हैं देखो 4 प्लस 2 6 है, एक लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं 6 कितने करेंगे 12, तो तीनों का वैल्यू मिल गया। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका कैलकुलेट करते हैं अपन, सेंटर मेटल एटम प्लैटिनम, क्या फार्मूला है z माइनस x प्लस y, z कितना है 78, x कितना है 4, y कितना है 12, 78 माइनस 4, 74 प्लस 12, राइट आंसर आ गया हमारा प्लैटिनम प्लस 4 आयन। बातें नहीं करना है, वन मोर एग्जांपल, क्रोमियम, क्रोमियम के एटॉमिक नंबर z का वैल्यू होता है 24, गर्ल्स कितना बातें कर रहे हैं, इथिलीन डायमाइना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सॉल्व करना है, किसी को बातें नहीं करना है, अगर किसी को कंफ्यूजन डाउट है तो मेरे से पूछो, मल्टीपल एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप बातें करेंगे तो मैंने तो लिख ली होगी। पीछे हाँ समझ में आया, ये फिर आप बातें करोगे, बातें नहीं करने का ध्यान देना है। ये फोर्थ एग्जांपल है, ऑलरेडी तीन एग्जांपल मैंने सॉल्व करके बताया है, तीन एग्जांपल करने के बाद आपको अगर अभी भी समझ नहीं आया आपको बस कैलकुलेशन करो, रेडी है देखो इधर पे वन मोर एग्जांपल एक और बता रहा हूँ। क्रोमियम जो है मेटल एटम है, उसका जेड का वैल्यू होता है 24, गॉट इट। अभी हम x निकाल देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू निकालने के लिए। तो इथिलीन डायमोन क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जीरो है, इसलिए प्लस 3 चार्ज इसी का है, इथिलीन डायमोन न्यूट्रल लिगेंड है, जीरो चार्ज है, तो ओवरऑल जो चार्ज है टोटल प्लस 3, वो किसका चार्ज है मेटल एटम का, अब प्लस 3 चार्ज है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं 3, क्रोमियम प्लस 3 आयन, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं x, गॉट इट, समझ में आ गया। लिगेंड कितने हैं देखो 3 लिगेंड है, y is equal to 3 इथिलीन डायमाइन, अब मैं आपको बता चुका हूं कि इथिलीन डायमाइन इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, कौन सा लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड, यानी एक लिगेंड के अंदर डोनर एटम दो है, तो दो डोनर एटम है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कितना बनाएंगे दो बनाएंगे, यानी एक लिगेंड चार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो तीन कितना डोनेट करेगा 12, तो उसको ऐसा लिखना है 3 इनटू 4 यहाँ लिखना है, ये कितना आ गया 12 इलेक्ट्रॉन, कुछ समझा। इथिलीन डायमाइन मैं आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, देखो इधर पे एक इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होता है,
अब एक ही लिगेंड के अंदर डोनर एटम कितने हैं देखिए इधर पे, दो है ठीक है। तो दोनों डोनर एटम क्या करते हैं, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करते हैं, मेटल एटम को, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो एक लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, दो। दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो चार इलेक्ट्रॉन, तो टोटल तीन लिगेंड है, तो तीन लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इनटू फोर। तो समझे अभी, अभी क्या आ जाएगा आंसर, देखो यहाँ पे डायरेक्ट 33 आ रहा है। देखो ईएन नंबर जेड का वैल्यू 24 माइनस 3 कितना है 21 प्लस 12 33 कितने लोगों को समझ में आ गए, रेज योर हैंड, ये टॉपिक कितने लोगों को समझ में आया है, कैसे कैलकुलेशन करना है, आंसर किस तरह आ रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं समझा, किसको नहीं समझा रेज योर हैंड, किसको नहीं समझ में आया रेज योर हैंड। अच्छा कोई तो लाल ऊपर कर रहे हैं, तो लाल ऊपर नहीं कर रहे हैं, और बाकी लोग क्यों ना बोले जिसको आ रहे होंगे आप ऊपर नहीं कर रहे, तो कंफ्यूज है क्या कि हमको समझे कि नहीं समझे। अच्छा कितने लोगों ने नहीं समझा, स्टैंड अप, स्टैंड अप, किसको नहीं समझा स्टैंड अप, तो इसका मतलब सबको समझ में आया, आगे का टॉपिक पढ़ाओ पीछे। हाँ स्टैंड अप, कितने लोग हैं स्टैंड, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आपको समझा, जितने नहीं आ रहे खड़े हो ना, फ्रेंकली बोल रहा हूँ, और एग्जांपल बताऊंगा, क्यों टेंशन लेते हो। और बॉयज में कौन है, हाँ नाउ लिसन, हाँ स्टैंड अप, हाँ सिट डाउन, देख लिया मैं, ठीक है, नाउ लिसन, एटॉमिक नंबर जेड कैसा लिखना है आपको मालूम है, आपको लर्न करना है, एक्स कैसे निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन नहीं समझा आप लोगों को, बताया था कैसे निकालना है एक्स का वैल्यू, पीछे आपके पीछे आपको नहीं समझा एक्स का वैल्यू, हाँ एक्स कैसे निकालते हैं, ये मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं आपको नहीं समझा, जो एलिमेंट रहेगा सबकी चार्ज को सम करना है और टोटल चार्ज लिखना है। अभी जैसे ये न्यूट्रल है, ये जीरो है, एक क्लोरीन का माइनस वन है, तीन का क्या हो गया माइनस थ्री, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, कि दोनों की सम करने के बाद नेट चार्ज हमारा जीरो चाहिए, ये माइनस थ्री है तो प्लस थ्री करेंगे तो जीरो आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर थ्री हो गया, जितना ऑक्सीडेशन नंबर है उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन लॉस किया देखो इधर पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्स लिखते हैं, तो जेड का वैल्यू एक्स का वैल्यू, ये दोनों समझ में आ गया। वाई कैसे निकालेंगे, जितने लिगेंड रहेंगे, लिगेंड छह है, देखो मैं यहाँ लिखा हूँ वाई इज इक्वल टू सिक्स अमोनिया, एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, छह कितने करेंगे सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, तो आगे z आगे x आगे y आगे, तीनों का वैल्यू फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेशन करना है। ये भी बता देता हूँ, देखो ये भी एग्जांपल बता रहा हूँ, सीएल प्लैटिनम, और दूसरा एग्जांपल बताओ, ये छोड़ के सर ऑक्सीडेशन बता देता हूँ, हाँ इधर देखो नाउ सीएल अमोनिया जीरो है, ब्रोमाइड आयन है, एक का माइनस वन है, दो का माइनस टू, तो टोटल ब्रोमीन कितने है, चार है, टोटल चार है, तो ओवरऑल चार्ज ब्रोमीन का कितना हो गया, चार ब्रोमीन का माइनस फोर, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा ताकि नेट से हमारा जीरो आना चाहिए, तो माइनस फोर प्लस फोर जीरो, सिंपल तो बता रहे, इससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर में भी ऐसे ही बताया था आपको। देखो आप लोग एक चीज समझ लो, आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे सर आएंगे, रवि सर पढ़ाएंगे और हमारे को सब आ जाए केमिस्ट्री पूरा, तो पॉसिबल नहीं है,
इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट योर होम. आपको इसको प्रैक्टिस घर पे करना पड़ेगा, बराबर है. जैसे ड्राइवर अगर किसी को ड्राइविंग सिखाता है, वो 24 घंटा उसको कार में नहीं बैठे रहते उसके साथ, वो 2 घंटा आपको देगा, फिर 4 घंटा आपको उसके ऊपर जो है इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना है, बराबर है. तो आप कार सीखोगे, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे 1 घंटा सिखाऊंगा. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा आ जाएगा, थोड़ा बहुत समझिए, थोड़ा बहुत जाके आपको घर पे प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस करने में बहुत सारा डाउट आएगा, वो डाउट आप यहाँ पूछोगे तो आपका डाउट क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट आ जाएगा. ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो नो डाउट मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूजन तो आएगा, लेकिन कंफ्यूजन बाय प्रैक्टिस सॉल्व होगा. विदाउट प्रैक्टिस केमिस्ट्री स्पेशली ये जो सब मैं पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग. देखो आपको ऐसा लगता है आपको समझ में आया है, नो डाउट अभी आप सॉल्व कर ले रहे हो. जब 4 दिन बाद मैं दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा और ये पूछूंगा तो आपको फिर नहीं आएगा, इसलिए इसका प्रैक्टिस करके पहले पूरा कंसेप्ट बैठा लेना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी स्विमिंग आप सीख गए, स्विमिंग करना आपको आता है, अब 1 साल के बाद भी जब आप पानी में जाओगे ऐसा नहीं कि आपको तैरना नहीं आएगा, स्विमिंग नहीं आएगा. आप वाटर के अंदर स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन बट आपको और पहले से स्विमिंग सब आना चाहिए अच्छी तरह, तब आप सीखोगे. अब आप स्विमिंग सीखे आधा नहीं सीखे और छोड़ दिए, अब 1 साल बाद जाओगे पानी में तो आप डूब जाओगे, पानी में तैर नहीं सकते, बराबर है. तो इसलिए ये कंसेप्ट समझने के लिए पहले पूरा कंसेप्ट समझ में आना जरूरी है, तब आप बाद में उसको स्टडी करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा. तो इसलिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा मैं बता रहा हूँ उसको जल्दी समझ में नहीं आएगा. फिर अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल कितना बताऊंगा, अभी 4 एग्जांपल बताया, 5 एग्जांपल और बताऊंगा, तो आज का लेक्चर पूरा इसी में चले आएगा, तो चैप्टर खत्म कब होगा. और मैं समझता हूँ ये टॉपिक बताने के लिए 3 से 4 एग्जांपल मैक्सिमम है ये टॉपिक समझने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहे, तो उसके लिए पीछे रीजन एक ही है कि आप लोग घर पे उसको नहीं देख, घर पे आके देखने का ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेशन नहीं आ रहा. ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन मैं सिंपल बताया हूँ, मैथ है, मैथ आप लोगों को नहीं आ रहा है क्या, प्लस माइनस करना है. अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में कितने लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत इजी वे बताऊंगा इसके, अभी भी हाथ ऊपर करो अगर ऑक्सीडेशन नंबर जिसको कैलकुलेशन नहीं आ रहा, फ्रेंकली हाथ ऊपर करो, बहुत इजी वे बताऊंगा. चलो ठीक है, देखो बताता हूँ सबसे इजी वे, ठीक है. बातें मत करो, देखो अगर बातें करोगे ना तो फिर कैसा है मैं बता नहीं पाऊंगा. ये किसके लिए कर रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, बराबर है. इसलिए आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे तो मैं मल्टीपल एग्जांपल भी बताऊंगा और आपको जो है आपका जो डाउट है वो क्लियर भी करूंगा, इसलिए बातें नहीं करना है. Now see here. एक बोर्ड पे मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ, देखो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला लिखा हूँ. अब ऑक्सीडेशन नंबर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे कैसे निकालना है, तो मैं सिंपल वे बता रहा हूँ, ठीक है. इधर देखो ऑक्सीडेशन का कैलकुलेशन करना है, ये दोनों की हम सम करते हैं प्लस ये इसका ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ, तो ये मालूम करना है, ये एक तरह के है, ठीक है. अब दोनों के 4 सम हो गए, टोटल 4 आ जाएंगे, ये टोटल 4 आ जाएगा, देखो इज इक्वल के बाद टोटल 4 आ जाएगा, ये अमोनिया है, ये क्या है कॉपर है, बराबर है. अब टोटल चार्ज अपने प्लस 2 दिया हुआ है, ये 2 है, और अमोनिया का चार्ज आपको याद रखना है टेबल के जरिए मैंने बताया है ये 0 होता है, यहाँ 0 रखिए. तो आप मुझे आप बताइए, देखो ये नर्सरी के बच्चे लोग सॉल्व करते हैं, कितना आएगा आप मुझे बताइए, अब इससे इजी वे क्या बताऊंगा. और एग्जांपल बताता हूँ इसका भी, देखो ये कंफ्यूजन हो रहा है, प्लैटिनम का बॉक्स सही है, अमोनिया का बॉक्स सही है, ये ब्रोमीन का बॉक्स है, और 2 ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का एक ही बॉक्स बनाए, सब एक साथ रख लेंगे, टोटल चाहिए हमको, टोटल चार्ज 0 है, देखो क्या मालूम है हमें, हमारे को
प्लैटिना, अमोनिया जीरो है और दोनों ब्रोमीन में चार ब्रोमीन है माइनस फोर। अब यहाँ कितना आएगा जीरो आना है, सिंपल है। और इससे इसी में बताऊ नर्सरी के बच्चे तो नीचे तो नहीं जाएंगे, करते हैं ना बच्चे लोग यही सॉल्व करते हैं ना, चार वर्ड से टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री वर्ड, सिंपल। अभी किसी को डाउट है कि ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं है, तो ये सिंपल ऐसे सॉल्व कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन है साइड में सॉल्व कर लो उसका आंसर लिख लो, ठीक है। y का वैल्यू कैसे निकालना वो समझ में आया। चलो एक लास्ट एग्जांपल और बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ लोगों को नहीं समझ में आए तो समझ में आ गए, एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। Now see here, effective atomic number Fe का निकालना है। देखो अभी सबसे पहले आप क्या लिखोगे, Z का वैल्यू, Z का वैल्यू Fe का होता है 26, तो आपको लर्न करना है। उसके बाद आपको X का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करना है। तो देखो यहाँ पे सिंपल में बता रहा हूँ, एक का प्लस वन हो गया, फोर का प्लस फोर हो गया, एक साइन एट का माइनस वन का माइनस सिक्स हो गया, तो एफी का कितना होगा ताकि तीनों की सम करने के बाद जीरो आएगा, प्लस टू प्लस फोर प्लस टू प्लस सिक्स माइनस सिक्स जीरो, एफी का चार्ज कितना आ गया प्लस टू, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, टू, एक्स इज इक्वल टू टू, लिगेंड कितने हैं सिक्स, एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, सिक्स कितने करेंगे सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, तो Z का वैल्यू 26, X का वैल्यू ठीक है 2 और Y का वैल्यू क्या आ गया 12, तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फॉर्म में कैलकुलेशन करना। अभी समझा कुछ, जितने लोगों को कंफ्यूजन था अभी कुछ समझ में आया, ठीक है। देखो 36 आ रहा है, ठीक है 84 आ रहा है, अगर इवन नंबर आता है, इवन नंबर तो ओबे करता है, और ऑड नंबर आता है तो ओबे नहीं करता है। वो नोट्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर में बताया ना, डिस्कस पे दिया हुआ है कि ओबे करता है कि नहीं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो अगर आपका जो ई ए एन नंबर इवन आता है तो ओबे करता है, अगर ऑड आता है तो ओबे नहीं करता, जैसे 33 आया था तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ओबे नहीं करता, और 84 आएगा 36 आएगा ये इवन नंबर है, गॉट इट। हाँ बोलिए आ जाओ इधर, हाँ SO4 एक ही जरूर है, 2 into minus 1 एक ही रखेंगे तो माइनस टू आएगा, हाँ हाँ ठीक है करेक्ट। और किसी को डाउट समझ में आ गया हो, हाँ ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन, तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा है 36, गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अब देखो इसके बाद जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक अगर आप लोग देखेंगे तो लेसन का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है एज पर माई ओपिनियन, आप लोग के हिसाब से आप लोग के नजरिए से देखूंगा तो आपके लिए टॉपिक डिफिकल्ट जाने वाला है, क्योंकि उससे पहले के जो इजी टॉपिक है वो काफी लोग को डिफिकल्ट जा रहे हैं, तो डिफिकल्ट टॉपिक तो डिफिकल्ट जाने ही वाले, नो डाउट। तो लेकिन बट आज का जो मैं आपको बताऊंगा सबको समझ में आएगा 100%, घर पे जाके उसका मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी आपने 11 में पढ़ा है, कॉमन नेम आईपीसी नेम, तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेमिंग वाला टॉपिक आ रहा है, आईपीसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तो आईपीसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंट है, इसके अंदर एन आईसो 2,3 ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, एकदम डिफरेंट है। तो कैसे नेमिंग करना है वो टॉपिक बता रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और पेपर में भी आप देखोगे बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक पे कंपलसरी पूछता है, कौन सा टॉपिक, आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कितने मार्क्स का, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी पूछता है। तो इसलिए ये टॉपिक आपको 100% आना है। तो मैं देखो वन बाय वन प्रॉपर वे में आपको प्रोसीजर बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे कल एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग साइलेंटली पूरा लेक्चर सुनेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा डजंट मैटर, मैं मल्टीपल एग्जांपल बताऊंगा, इजी वे भी बताऊंगा, लेकिन आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको कंसेप्ट क्लियर करके फिर आगे जाऊँ, शर्त ये आपको डिसिप्लिन मेंटेन। अदरवाइज होता क्या है, मैं बता रहा हूँ कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा है, आवाज की वजह से आपकी आवाज वो नहीं सुन पाएंगे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ये टॉपिक डिफिकल्ट है तो आपको और अटेंटिव रह के लेक्चर सुनना है, समझ में आ रहा है बातें नहीं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, आप खड़े हो मेरे से पूछो, मैं आपको डाउट बताऊ, डाउट बताने के लिए कभी भी मैं आपको ठीक है मना नहीं करूंगा, जब भी आपको डाउट पूछना है क्लास में कोई भी टॉपिक का, कोई भी लेसन का जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका रहूंगा आपको पूछ, ठीक है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे तो मेरे को भी इंटरेस्ट है। अदरवाइज क्या होगा, आप बात करते रहोगे मैं पढ़ाते रहूंगा, एक टाइम आएगा मतलब जब आप ही लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो मैं क्या करूं, इतना इंटरेस्ट, बराबर है, ऐसे ही होता है ना। यस, अभी आपको यहाँ बुलाया जाएगा, आप इधर पे आओगे, आप कुछ बता रहे हो, कुछ बोल रहे हो, और सामने वाले जो ऑडियंस आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी, खाली बातें करेगी, तो आपको भी फील अच्छा नहीं होगा, बराबर है। इसलिए देखो डिसिप्लिन मेंटेन रखो, और ये किसके लिए बता रहा हूँ, आपके लिए, मेरे लिए नहीं कि मुझे आ जाए, ठीक है, आप डिसिप्लिन मेंटेन रखो तो आपको सब आए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आईयूपीएसी नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट डाउन साइड इन आईयूपीएसी नेम, किसका, ये एग्जांपल का कैलकुलेशन करके बताओ कि गले आंसर बताओ, करके बताओ, देखो एफई जो है इसका जेड का वैल्यू 26, एफई का चार्ज यहाँ पे प्लस 2 है, मैंने आपको बता चुका है कैसे आए हैं, बराबर है, प्लस 2 इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं एक्स, ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ इसी को लिखते हैं एक्स, ठीक है। लिगेंड कितने हैं, 6 है, 6 साइनाइड आयन इज इक्वल टू 6 × 2 कितना आ गया, 12, तीनों का वैल्यू बता दिया, फार्मूला है जेड माइनस एक्स प्लस वाई, तीनों का वैल्यू पुट करके अभी कैलकुलेट कर लोगे ना, 26 माइनस 2 24, 24 प्लस 12 36, व्हाट इट, ठीक है, लिखना है क्या आपको, ठीक है ना, लिसन, आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आईयूपीएसी नेम का फुल फॉर्म ऑलरेडी हमने 11 में भी देखे है, ठीक है, और 12th में भी जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऐसा नेम है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप नॉर्मली जो हम हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, अमाइंस पढ़ेंगे, नाइट्रो कंपाउंड पढ़ेंगे, सबको नॉमेनक्लेचर में आईपीसी नेम दे सकते हैं। तो आईपीसी नेम को इंटरनेशनल सिस्टम के बेसिस पे एक्सेप्ट किया गया, क्यों एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि ये हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दे सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम जो होता है, जो जनरल नेम जिसको बोलते हैं, वो लिमिटेड कंपाउंड को देते हैं, उसके कंडीशन के हिसाब से प्रेजेंट है तभी देना है, इसलिए उसको इंटरनेशनल यूनियन सिस्टम के हिसाब से एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसको हम कॉमन नेम, तो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे कॉमन नेम नहीं है, कौन सा नेम है, ओनली आईपीसी। अब
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आईपीसी नेम कैसा देना है वो समझ। तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी जो बताया था आपको, देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, नॉन आयनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पीछे लास्ट में क्या लिख रहे हो, ध्यान से अगर मैं बता रहा हूँ क्या, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीन टाइप के होते हैं, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन कैटायनिक। कब होंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया एकदम सिंपल वे, नेट चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में कोई ग्रुप है तो कैटायनिक, उसका अपोजिट एनायनिक कॉम्प्लेक्स, नेट चार्ज नेगेटिव है, स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई ग्रुप है एनायनिक है, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स है, कोई नेट चार्ज नहीं दिया हुआ है, जीरो है, तो उसको आप बोलोगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स। इतना समझा सबको ऑलरेडी, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो यही तीन टाइप में से कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको रहेगा और उसका आईपीसी नेमिंग देंगे। तो सबसे पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स साइड में लिखेंगे फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को नेमिंग किस तरह देना है वो देखेंगे हम। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स राइट हैंड साइड में, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स सर, अब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को नेमिंग कैसे करना है उसका मैं जो है टर्म कंडीशन बता रहा हूँ, क्राइटेरिया बता रहा हूँ कैसे नेमिंग करना है, वो सुनेंगे जो प्रॉपर वे में सुनेगा, एग्जांपल देखेगा 100% उसको समझ में आएगा। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को नेमिंग जब करना है तो सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे। किसका नेम लिखेंगे, लिगेंड। लिगेंड किसको बोलते हैं ऑलरेडी हमको पता है, और मैं लिगेंड का जो नेम लिखोगे उसका एक टेबल है जो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। पेज नंबर ओपन करो 196 फेसबुक का, निकालें फेसबुक का पेज नंबर 196 और नोट्स का कौन सा 338 टेबल 9.1 फेसबुक का, उसके अंदर देखो बहुत सारे लिगेंड दिए हुए, आप देखो ब्रोमाइड, क्लोराइड, क्लोराइड है, उसको आईपीसी नेम में क्या बोलेंगे, देखो सेकंड कॉलम में दिया है, बीआर रहेगा तो ब्रोमो, सीएल रहेगा तो क्लोरो, बराबर है। हाँ, आपने कराटे, लेकिन अभी जब एग्जांपल देखेंगे आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप सुन लिया, आप एग्जांपल दे, तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का। सबसे पहला एग्जांपल CuNH3 4 नेचर प्लस 2, अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, बराबर है, क्योंकि इसका नेचर पॉजिटिव दिया हुआ। अब हमारा रूल क्या है, सबसे पहले लिगेंड का नेम, लिगेंड के नेम से पहले उसका टोटल नंबर 4 है, 4 के प्रीफिक्स वर्ड पहला वर्ड कैपिटल लिखना है, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल टेट्रा। अमोनिया को ऐसा लिगेंड अमाइन बोलते हैं, टेबल में दिया है, नया लिखा टेट्रा अमाइन, ये लिगेंड का नेम हो गया। फिर मेटल आइटम क्या है, सीयू कॉपर, उसका नेम लिखोगे। अब देखो कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, ये 0 ये प्लस चार्ज इसी के, तो उसका चार्ज रोमन नंबर में, और नेट चार्ज दिया हुआ है तो आयन लिखेंगे, अगर नहीं दिया रहे तो आयन नहीं है, ये हो गया इसका आईपीसी नेम, सिंपल है। अभी लिखो मत, मैं लिखने का टाइम दूंगा, दो तीन एग्जांपल बता दूं फिर आपको लिखने का टाइम दूंगा, डजंट मैटर, पहले समझो क्या चीज है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना, कैटायनिक, इसके अंदर बाद में ग्रुप दिया हुआ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अब इसका भी नेम क्या देना है, पहले लिगेंड, अब देखो यहाँ पे लिगेंड दो टाइप के लिगेंड है, एक अमोनिया एक वाटर है।
अब हमारे माइंड में कुछ है पहले किसका नेम लिखेंगे, तो हम देखो नॉर्मली देखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से, अमाइन का ए है, एक्वा का भी ए है, वाटर को एक्वा बोलते हैं, एक्वा का ए और अमाइन के दोनों ए से है, दोनों ए से है, तो उसके बाद का अल्फाबेट अमाइन का एम और एक्वा का क्यू, पहले कौन सा आता है, अमाइन का एम पहले आता है, इसलिए पहले अमाइन लिखेंगे। देखो प्रीफिक्स वर्ड कितना फोर है, टेट्रामाइन, अब वाटर भी दो है, दो के लिए मेटल आइटम का नेम कोबाल्ट, कोबाल्ट का चार्ट देखो, ये जीरो है, ये जीरो है, ये माइनस थ्री, ये प्लस थ्री होगा, थ्री रोमन नंबर में था है। और नेक्स्ट चार्ट ये है क्या, अगर स्पेयर ब्रैकेट बाद में ग्रुप रहेंगे तो नेक्स्ट चार्ट कभी भी नहीं दिया रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा, तो आयन नहीं लिखेंगे, देखो आयन नहीं, ये एग्जांपल समझा, और भी एक आध एग्जांपल बता दो, सी है, सॉरी हाँ एक चीज रह गई है, सॉरी ये सीएल रह गया, इसको अपन देखिए निकले अंदर का नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में अगर कोई ग्रुप है तो उसको ये जो ऑब्जर्वेशन नंबर लिखे इसके बाद में लिखना है, यानी सबसे लास्ट में आएगा अगर बाद में, और पहले है तो सबसे पहले आएगा, फिर बाद में तो सीएल थ्री जो बाद में रहेगा निगेटिव रहेगा, निगेटिव को देखो क्या लिखा गया है, सीएल माइनस को क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है सीएल माइनस को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, इधर है देखो ये कॉलम, वो ऐसा लिगेंड रहेगा तो क्लोरो, ऐसा निगेटिव चार्ज रहेगा तो क्लोराइड, बी आर माइनस रहेगा तो ब्रोमाइड, अगर लिगेंड रहेगा तो क्लोरो लिखेंगे, या लिगेंड नहीं है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड, अब वो तीन है, वो तीन है चार है कितने भी रहेंगे एक ही का नेम लिखना, बाहर जो है जितने भी निगेटिव आयन रहेंगे नाम एक ही का लिखना, टेबल में दिया है सीएल रहेगा, सीएल माइनस रहेगा तो क्लोराइड, लेकिन लिगेंड जब सीएल रहेगा तो क्लोरो आएगा, याद रखना, इसका करेक्ट आईबीसी नियम हो गया, गॉट इट, समझ में आया, सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ, सी है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक है ना, अब यहाँ पे देखो ये लिगेंड हमारा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को एज अ लिगेंड क्या बोलते हैं, कार्बोन, नहीं कितने है ये, पांच है, आयरन, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस टू, तो उसको सेकंड रोमन नंबर में हमने सेल दिया हुआ है, तो समझा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को नेमिंग कैसे देना, तीन एग्जांपल बताया, समझ में आया, ठीक है राइट, कौन है नहीं चाहिए उसके बाद बोल रहा हूँ, जब सीएल एज अ लिगेंड रहेगा तो क्लोरोलिक, तो लिगेंड कहाँ रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है,
पैटर्निंग कॉम्प्लेक्स का नेमिंग किस स्क्वायर में देना है, तीन एग्जांपल बताया कॉम्प्लेक्स फंक्शन के, आपको तो समझ में आया होगा। पहले प्रीफिक्स वर्ड लिगैंड का, उसका लिगैंड का नेम, फिर मेटल एटम का नेम, पूरा ऑक्सीडेशन नंबर, रोमन नंबर में, और नेट चार्ज दिया तो आयन रहेगा, नेट चार्ज नहीं दिया स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में ग्रुप रहेगा, तो लास्ट में लिखते हैं एक ही का नेम लिखते स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में रहेगा, ठीक है। अब सेकंड है अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद नेट चार्ज निगेटिव बनाते हैं, जैसे ऑलरेडी नेट चार्ज निगेटिव रहेगा तो अनायनिक है, और स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई ग्रुप है वो भी अनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये ऑलरेडी आपको पता चल चुका, ठीक है। अब इसके अंदर कैटायनिक से क्या डिफरेंस है, कैटायनिक और अनायनिक में डिफरेंस क्या है वो समझ लो। कैटायनिक में भी अपन सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे, अनायनिक में भी सबसे पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे, इसमें भी लिगेंड का नेम पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स वर्ड आएगा फिर लिगेंड का नेम आएगा। अब अपन कैटायनिक में क्या करते थे, मेटल एटम का पूरा नेम लिखते थे, अनायनिक में मेटल एटम का पूरा नेम नहीं लिखना है, ये डिफरेंस है याद रखो। मेटल एटम का नेम लिख के उसके लास्ट में सफिक्स वर्ड ATE ऐड, ये वर्ड ऐड करना है, उसका भी एक टेबल दिया हुआ है टेस्ट में, जो मैं बता रहा हूं टेबल 9.2, टेस्ट का टेबल 9.2, ठीक है। उसके अंदर देखो दिया हुआ है एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनेट, ठीक है, कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेड, निकल रहेगा तो निकलेट, सिल्वर रहेगा अर्जेंटेड, लेड रहेगा प्लम्बेड, कॉपर रहेगा क्यूप्रेट, आयरन रहेगा फेरेट, एक्सेट्रा, मिला वो टेबल आपको। तो अनायनिक में मेटल एटम अगर प्रेजेंट रहेगा तो कौन सा मेटल रहेगा तो क्या नेम लिखना है, तो दिया हुआ है ये अनायनिक में है, समझ में आया, got it? तो मेटल एटम का नेम लिखेंगे विद सफिक्स वर्ड ATE, और उसके बाद में बाकी का प्रोसीजर सेम है, मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है रोमन नंबर में लिखेंगे, और नेट चार्ज दिया है तो आयन। तो पहले डिफरेंस क्या है, मेटल एटम का नेम, कैटायनिक में पूरा नेम लिखना है, अनायनिक में टेबल के हिसाब से नेम लगा लिखना है। तो उसका कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। Now see here,
बोर्ड में तीन एग्जांपल लिखो, तीनों अनायनिक है। ऑलरेडी दो कॉम्प्लेक्स देखो, फर्स्ट और थर्ड नेट चेंज नेगेटिव, ये तो अनायनिक है। और स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कोई ग्रुप है वो भी अनायनिक में आता है, तीनों अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें नेमिंग कैसा करना है देखो, इधर सबसे पहले लिगेंड का नेम 4N4 के लिए टेट्रा, सीएल का ऐसा लिगेंड क्लोरो बोलते हैं। अब देखो निकल आया, तो निकल के क्या बोलेंगे, निकले निकले। और देखो निकल के ऊपर इसके इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 क्लोरीन को -4 या +2 -2 कभी -2 आए, यानी निकल के यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, दोनों की सम करो देखो -2 आएगा। तो ये रोमन नंबर में सेकंड, और नेचर दिया हुआ है बॉडी। पहले चेंजेस क्या हुआ, मेटल एटम के नेम के लास्ट में सफिक्स वर्ड ऐड आए, निकल तो निकले, लेकिन अगर बाय मिस्टेक आप निकल एट किया, अगर निकल लिख दिए निकल, तो आप सोचोगे थोड़ा ही तो मिस्टेक हुआ, बाकी तो सही लिखे, तो आपको मार्क्स नहीं मिले। आयन लिखना, अगर आप आयन नहीं लिखे तो भी रॉन्ग है, आयन जो लिखा हो नेट चेक किए तो आयन लिखना है, अगर आप आयन नहीं लिखे खाली सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर तरह लिखे तो भी रॉन्ग है, जैसा है वैसा लिखना है। अब सेकेंड देखो, लिखने का टाइम दूंगा मैं, आप लोग यहाँ पे देख लो सेकेंड देखो। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पहले ग्रुप है, तो पहले रहेगा तो सबसे पहले उसका नेम लिखना है, और बाद में रहेगा तो सबसे लास्ट में उसका नेम। तो के को अपन पोटेशियम बोलते हैं, अभी चार है बाहर जितने भी रहे एक ही का नेम लिखने का, तो पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगेंड का नेम एक्सर साइन, साइनाइड को साइनो बोलते हैं, एक्सर साइनो। और एफी को जो है अनायनिक कॉम्प्लेक्स का हम बोलते हैं फेरेट, दिया हुआ है टेबल में। एफी का चार्ज कितना है यहाँ पे, +2 है, ये +4, ये -6, +6 -6 नेट चार्ज 0, रोमन नंबर में सेकंड, नेट चार्ज दिया नहीं है तो आयन नहीं आया, पोटेशियम एक्सल साइनो फेरेट सेकंड। और थर्ड देखो इधर पे सीआर, टीम के लिए ट्राई यूज करते हैं ट्राई, C2O4 को ऑक्सलेट लिगेंड बोलते हैं, ऑक्सलेट ग्रुप ऐसा लिगेंड उसको बोलते हैं ऑक्सलेटो, क्या बोलते हैं ऑक्सलेट, टेबल में दिया है ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। अब CR को क्रोमियम बोलते हैं, क्रोमियम को ऐसा लिगेंड अनायनिक लिगेंड क्रोमेट, क्रोमेट। नेक्स्ट चेक कितना दिया हुआ है, एक का -2 एक का -6, तो इसका +3 होगा, देखो रोमन नंबर में 3 मिनट चल देखिए, समझे सबको राइट। Thank you.
Now listen. Now listen. अब एक चीज और आप लोग ध्यान रखो, ये दो लिगेंड जब दिए रहेंगे एज अ लिगेंड, ईएन और डीएमजी, ईएन स्टैंड फॉर इथिलीडाइमाइन और डीएमजी स्टैंड फॉर डायमिथाइल लाइऑक्साइड, दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, ये दोनों एज अ लिगेंड दिए रहेंगे, ये दो के लिए लिगेंड के लिए डाय ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स वर्ड यूज नहीं करते, ये दो के लिए हम जो प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं वो रहेंगे बीस, तीन रहेंगे प्लीज, ठीक है, नॉर्मली तीन तक ही रहते हैं, दो रहेंगे या तीन रहेंगे, चार नहीं रहेंगे, रहेंगे तो टेट्रा पीस पेंटा पीस, ठीक है, ऐसा उसका नियम आता है, लेकिन नॉर्मली दो और तीन के लिए ही आएगा, तो ये याद रखना आपको, लिख लो ये जैसे शॉर्ट में लिख लो, क्या बोल नहीं वन नहीं रहेगा, तो टू रहेगा तो थ्री रहेगा, सिक्स रहेगा, सिस सिस बोल रहे ना, इसमें सिस वगैरह नहीं, प्रीफिक्स वर्ड सिस नहीं आपके डाइट डाइट टेट्रा या बीस बीस, दो के लिए बीस, तीन के लिए बीस, थर्ड कॉम्प्लेक्स है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, पता नहीं बता दिया, अनायन बता दिया, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसको पता है, थर्ड टेकिंग है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का भी नेमिंग सिमिलर है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जैसे, जैसे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग दिया वैसे ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को, यानी इन शॉर्ट आपको याद ये रखना है कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नेमिंग सेम देना है, सेम वे में लिया, ओनली अनायनिक के लिए मेटल आयन के नेम के लास्ट में सफिक्स वर्ड ऐड लगाना है, समझ में आ गया सबको, तो फिर भी मैं दो एग्जांपल इसका ही बता देता हूं, ठीक है, हां स्टूडेंट
दोनों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है या दोनों में से कोई एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स? दोनों न्यूट्रल है, ये क्यों न्यूट्रल है इसका रीजन? Why it is neutral complex? Why this complex is called neutral complex? Net charge? नहीं है net charge. बाजू में व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स? चार्ज नहीं है इसलिए न्यूट्रल है. चलो आपसे भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लीजिए. ये भी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं है, तो इसमें भी तो चार्ज नहीं है. ये आपने बताया चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है. Yes. तो इसमें भी तो चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल क्यों नहीं है? रीजन आपको बताना लिगेंड के बाद, इसलिए न्यूट्रल है. न्यूट्रल नहीं है ना, ये भी ये न्यूट्रल नहीं है. बैठिए, देखो मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान बात करने में रहेगा. केमिस्ट्री 10 साल में भी नहीं सीखोगे, समझ लो एग्जाम. और आपका दिमाग अगर ध्यान पढ़ने में रहेगा, नहीं सर क्या बता रहे, 100% आपको आएगा. मैं जो क्वेश्चन पूछा तो एकदम ना पूछने के जैसा पूछा, व्हाट इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स? कितनी बार बताया ये आपने, सब टॉपिक हो चुके हैं, लेकिन आप लोग खाली बात ही करते रहोगे तो कैसे आए? पूरा लेसन खत्म हो जाएगा अगर पूछूंगा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसका डेफिनेशन ही नहीं आएगा तो क्या मीनिंग निकलेगा? कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है. इसलिए बैठो तो ध्यान दो, बेनिफिट लो, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं. मैंने रीजन बताया न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे अगर नेट चार्ज नेगेटिव बनाता है तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. आपको ऐसा बताना है या आप बता रहे हो शॉर्ट में, चलो सर ये न्यूट्रल है, नेट चार्ज नहीं है. सर ये नेट चार्ज इसलिए नहीं है कि स्क्वायर वेव पहले रहेंगे तो आपने बताया न्यूट्रल है, तो ऐसे बताओ कॉन्फिडेंस के साथ, सर स्क्वायर वेव के पहले कोई ग्रुप रहता है वो न्यूट्रल रहता है. मैं पूछूंगा क्यों न्यूट्रल है, तो आप बोलोगे सर वो ग्रुप पानी में टूट जाएगा, पॉजिटिव निकल जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा. ऐसा कंसेप्ट बताना आपको तो आपको समझ आएगा. आप लोग तो कुछ बता ही नहीं पा रहे हो, एकदम डाउटफुल हो कि कटाइनिक है अनायनिक है नॉन आयनिक, कंफ्यूज हो, खुद कंफ्यूज हो कि नहीं कंफ्यूज? इसलिए ध्यान दो, इधर दोनों कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है. क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि दोनों के ऊपर नेट चार्ज ऑलरेडी जीरो है और दोनों के स्क्वायर वेव के पहले भी कोई ग्रुप नहीं, इसलिए उसको पानी में डालेंगे तो जैसा है वैसे ही रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा. दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. व्हाट इट? अब इसको देखो, इसका नेमिंग करना है, इसका नेमिंग भी कटाइनिक जैसा करना है, बराबर है. पीछे लास्ट में स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड कटाइनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नेम लिखते हैं? कटाइनिक कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नेम लिखते हैं? लिगेंड्स का. लिगेंड से पहले कुछ लिखते हैं? लिगेंड के नेम से पहले कुछ लिखते हैं? यस और नो? यस. क्या लिखते हैं? यस लिखते हैं. फिर क्या लिखते हैं? जिससे पहले कितना एग्जांपल बताया हमने भाई डी, बाजू में लिगेंड के नेम से पहले क्या लिखते हैं? नेमिंग में कोई लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, और लिखना भी नहीं चाहिए. काहे को लिखना चाहिए? पेन के रिफिल खत्म करना है. भाई डी क्वेश्चन क्या पूछा? ब्लैक मुझे लगा क्वेश्चन ही आपको याद नहीं आया. वेरी गुड,
लिगेंड से पहले ठीक है प्रीफिक्स पर ऐड करते हैं डाई ट्राई ये बताएं बराबर प्रीफिक्स वर्ड फिर लिगेंड का नेम फिर मेटल आइटम का नेम फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेटल आइटम के बाद ठीक है अब इधर भी देखो वही कटायनिक कॉम्प्लेक्स जैसा पहले लिगेंड का नेम लिगेंड कितने फोर है फोर के लिए ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल लिगेंड का नेम पूरा हो गया मेटल आइटम कौन सा है निकल ठीक है चलो अभी पूछते हैं हाँ स्टैंड अप निकल का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें ऑफ निकल प्लस फोर बैठिए बोलिए फोर फोर सब फोर पे जाएंगे किसी का आंसर फोर के अलावा तो बताइए हाँ बोलिए जीरो अब तो बहुत डिफरेंस आ गया जीरो का और फोर का आंसर आएगा नया बोलिए इसका आंसर क्वेश्चन क्या पूछा मैं हाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो बैठिए फोर कहां से आएगा अरे जीरो है ये भी जीरो है तो जीरो होगा फोर कहां से आ रहे हैं अरे कुछ भी नहीं बोलना है जो आएगा वही बताना है ठीक है अच्छा जीरो भी मेंशन करना है जीरो मतलब जीरो है तो जीरो नहीं लिखेंगे जीरो भी मेंशन करना है जीरो नेट चल दिया है नहीं दिया तो आयन नहीं आया तो इसका नेम हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो सेकंड ये देखो दो लिगेंड है अमाइन का ए है ब्रोमीन का ब्रोमो का बी है हल्के लिए ए पहले है कितने हैं डाय ब्रोमो प्लैटिनम का पूरा नेम प्लैटिनेट नहीं आएगा नाइनिक में आता है प्लैटिनेट हाँ प्लैटिनम प्लैटिनम का चार्ज कितना है कौन बताएगा रेज योर हैंड प्लस फोर आ रहे हैं प्लस टू आ रहा है जीरो भी आ रहा है प्लस टू आएगा हाई डॉ देखो मैं होप करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग कैसे करना है आपको समझ में आया ठीक है अब आप लोग क्या करना है देखो पेज नंबर 196 टेक्स्टबुक का उसके नीचे वाले टेबल 9.3 बराबर है वो टेबल में देखो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग बताया हुआ है आंसर के साथ
तो आप लोग घर पे जाके पूरे फार्मूले लिखना है रैंडमली आगे पीछे करके, और उसको बिना देखे उसका नेमिंग आपको ओन से लिखना है, और लिखने के बाद फिर आपको आंसर वेरीफाई करना है कि आपका आंसर वो आंसर करेक्ट है कि नहीं। और किसी आंसर में अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको मार्क करके रखो, नेक्स्ट टाइम जब मेरे लेक्चर आएगा। एक बार फार्मूले से नेम लिखना है और एक बार नेम से फार्मूला भी लिखना है। तो नेम से फार्मूला भी मैं नहीं बताया हूँ, आपको खाली फार्मूले से नेम लिखो, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। Thank you.